जय माता दी, राधे राधे। आइए जानते हैं इस बार 2023 में करवा चौथ पर बन रहा है शुभ संयोग। करवा चौथ कब है जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि एवं महत्व। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत विशेष महत्व रखता है। खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत मुख्यतः सुहागिन महिलाओं द्वारा वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। साथ ही यह व्रत कुआरी कन्याओं द्वारा भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल करवा चौथ का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि प्रारंभ 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार रात 9:30 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। बन रहा है इस शुभ योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें शिव योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सर्वार्थ सिद्ध योग में किया गया कार्य या पूजा शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही इस दिन वक्रतुंड संकष्टि चतुर्थी भी मनाई जाएगी। करवा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे और नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक और फलक पर करवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती संग भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई रखने के साथ साथ करवे में जल भर कर रखें। पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शिव शक्ति और चंद्रदेव की पूजा करें। करवा चौथ व्रत की कथा सुने। रात में चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ दें। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।